नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लोचा। तो आप देख सकते हैं आज हम आपको बीएलडीसी मोटर की वाइंडिंग दिखाने वाले हैं कि बीएलडीसी मोटर की वाइंडिंग कैसी होती है और उसके स्टार कनेक्शन कैसे होते हैं, तीन तारे कैसे बाहर आती है। और साथ ही बीएलडीसी वाइंडिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है साथियों। अगर आप वाइंडिंग से रिलेटेड काम करते हैं या आप इलेक्ट्रिशियन है या आप टेक्नीशियन है तो बीएलडीसी की वाइंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में सारी ही मोटरें बीएलडीसी होने वाली हैं क्योंकि बीएलडीसी की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत कमाल होती है, बहुत ही बिजली की बचत करती है। जहां हम इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर के आरपीएम स्पीड हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके बीएलडीसी के आरपीएम स्पीड हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार हम इसको चलाकर देख लेते हैं, फिर हम इसको दिखाएंगे कि आपको कैसे वाइंड करना है। तो यह देखिए दोस्तों, मोटर को हम शुरू करते हैं। तो यह बीएलडीसी की यह खासियत है कि हम इसको स्लो भी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो चल रही है और इसको जितनी मर्जी तेज भी कर सकते हैं। तो यह है सारी एडवांटेज है साथियों। अब हम वाइंडिंग करके दिखाते हैं आपको इसकी, हमने कैसे वाइंडिंग की। इस मोटर को हमने वाइंड किया, आप यहां से देख सकते हैं इसमें नई वाइंडिंग आपको नजर आ रही होगी। यह आप देख सकते हैं हमने इसको मोटर को वाइंड किया है। तो इस मोटर को किस तरह से वाइंड किया जाता है हम वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों, यह इस बीएलडीसी मोटर का स्टेटर है जो हमने खाली करके रखा हुआ है। अब और इसके इसके अंदर जो तार डली हुई है वह ये तीन तीन तारे हैं साथियों। ये तीन तारे एक साथ चलेंगे तो तीन फेसों के लिए हमने तीन तारे ली है इस तरह की। तो सारी मिला के हमारी नौ तार हैं, बाकी एक साथ जो है वो तीन तार चलेगी। ये 20 नंबर वायर है साथियों। इसकी टोटल 12 स्लॉट है, मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 12 स्लॉट है। तो इसमें हमारी एक चार की पिच रहेगी, तो एक चार की पिच के हिसाब से हम इसको वाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम यहां से शुरू कर देते हैं, जैसे यहां से हमने ये शुरू की। तो इसमें साथियों हमारे तो चार टर्न है, आपकी मोटर में जितने टर्न है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो चार टर्न पहले हम इसमें लपेट देंगे। तो ये इसमें साथियों हमारे चार टर्न हो चुके हैं। अब यह कॉइल हमने लपेट दी है, अब हम दूसरा फेस लपेटेंगे, इसको यहीं रोक देंगे। और अब हम दूसरा फेस इसमें, दूसरे फेस के लिए हम इसमें तार लपेटेंगे। पहले हमने इन चार स्लॉटों में लपेटा, हमारी 12 स्लॉट की मोटर है, इन चार स्लॉटों में दो बीच में छोड़ करके, और उसके बाद हम अगली चार स्लॉटों में लपेटेंगे। तो अगली चार स्लॉटों में हम लपेट देते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो यह चार टर्न हमारी साथियों आगे हो गए हैं। तो अगली चार स्लॉटों में हम फिर से चार टर्न लपेटेंगे दूसरी तार से। तो ये हमारे तीन फेस हैं, तो तीन ही तार हमने ले ली हैं। और अब हम इसमें तीसरी वाली में चार टर्न लपेट देते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों हमारी तीन कॉइलों में चार चार टर्न हो चुके हैं, चार टर्न है हमारी कॉइल में।
तो आप देख सकते हैं एक फेज, दो फेज, तीन फेज, इस तरह से आपको सीधा सीधा सा बनाना है इसको। और इसके बाद हम फिर पहले वाली तार से लपेटेंगे जो हमारी सबसे पहली कॉइल है, या कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो हम इस वाली तार से मान लीजिए पहले शुरू कर देते हैं। तो इस वाली तार को अब यहां उल्टा लपेटना होगा, पहले हमने ऐसे लपेटी थी क्लॉकवाइज, अब हम अगली कॉइल एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। तो साथियों अब हम इस वाली कॉइल को पूरा लपेट चुके हैं। अब इससे जो अगली नेक्स्ट कॉइल है इसको हम लपेटेंगे, ये इससे अगली है आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसको हम लपेटेंगे। पहले हमने इसको भी क्लॉकवाइज लपेटा था, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लपेटेंगे। तो यहाँ नीचे ले जाएंगे पहले इसको, तो यह देखिए साथियों यह भी हमारी अब लपेट चुकी है। और अब हम इससे अगली नेक्स्ट कॉइल लपेटेंगे, तो नेक्स्ट हमारी ये है। एक बार आपको पहले तीन जो फेस है वो उनकी एक एक कॉइल बना देनी है, उसके बाद फिर आप किसी भी कॉइल से आगे बढ़ सकते हैं, कहीं से भी फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी को एक माना है तो एक से तीन फेस तक आपको तीनों कॉइलें एक साथ बनानी है ताकि वो एक साथ रहे। तो यह आप देख सकते हैं साथियों, यह हमारी दो क्वाइल बन चुकी है और तीसरी हम यहां बनाने वाले हैं। तो यहां जैसे ही ये बनेगी तो हमारा ऊपर वाली तीन क्वाइलों का ट्रायंगल भी बन जाएगा। अब यहां से हम लेते हैं साथियों, तो यह बन चुकी है हमारी तीन साथियों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट है ये। तो इसकी जो जगह है हम उसे पहले थोड़ा सा हल्का सा ठोक लेंगे ताकि कॉइल आराम से आ सके। हमारी तार मोटी है, यह मोटी तार से मोटर बना रहे हैं, अगर तार पतली होती तो ऐसा नहीं करना पड़ता। इसको भी हम उसी तरह से लपेट देंगे जैसे सारी लपेट रहे हैं। और आप साथियों हम इसकी तीसरी कॉइल बनाएंगे, जो हमारी आमने सामने आ रही थी उसमें तीसरी कॉइल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक दो, दो कॉइलें ट्रायंगल बना रही है, एक कॉइल यहाँ और आएगी तो ये तीन कॉइलों का ट्रायंगल बन जाएगा। तो यह हमारी तीसरा सेट डल रहा है एक तरह से, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और दूसरी वाली से हम बनाते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे साथियों, यह हमारी बची, इसमें अभी हमने नहीं लपेटा, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। पहले इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लपेटा था, अब हम इसको फिर से क्लॉकवाइज ही लपेटेंगे। तो अब इसको क्लॉकवाइज लपेटते हैं साथियों। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, हमारे इस बार तीनों कॉइलों के टर्ने डल चुकी हैं, तो तीन कॉइल हमारे फिर से ट्रायंगल में बन चुके हैं, एक दो तीन। तो ये तीन कॉइल फिर से ट्रायंगल में बन चुके हैं, अब एक लास्ट कॉइल बची है। तो अब हम फिर किसी से भी अब शुरू कर सकते हैं। तो पहला इसी को मान लेते हैं, इसी से शुरू कर सकते हैं। अब हमने क्लॉकवाइज लपेटा था इसको इस तरह से, अब हम यहां से आगे एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। तो यहां से देखिए साथियों हम इसको आगे चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इसको लपेटते हैं, एक से चार, एक।
तो यह देख सकते हैं साथियों, यह हमारी पूरी हो गई है एक फेस की वाइंडिंग, और इन दोनों में एक एक क्वाइल बची है तो वह भी अब हम लपेट देते हैं। तो अब हम यह दूसरी ले लेते हैं, इसको भी पहले हमने क्लॉकवाइज ही लपेटा था, तीनों को एक ही तरह से चलाना है अपने, और इसको भी अब हम एंटी क्लॉकवाइज ही लपेटेंगे। तो ये देखिए साथियों, हमारे अब यह दो फेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा यह एक ही फेस बचा हुआ है, इसको भी हमने पहले क्लॉकवाइज लपेटा था, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। तो अब इसको भी लपेट देते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों, यह हमारी वाइंडिंग होकर तैयार हो गई है, और अब इसमें स्टार कैसे बनेगा वह सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें 1-3-5 स्टार पॉसिबल नहीं है, 1-3-5 स्टार करने से यह नहीं चलेगी। तो इसका स्टार कैसे बनेगा वह भी देख लेते हैं। इसका स्टार साथियों 1-3-5 से भी आसान है, 1-3-5 याद रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका स्टार उससे भी बिल्कुल आसान है। आप यह तीन अंदर वाली तार जो हमारी स्टार्ट हमने जहां से लपेटना किया था वह तीन तार आपस में मिला दें तो भी स्टार बन जाएगा, यह आपस में ज्वाइंट कर दें और यहां से तीन लीडे बाहर कर दें, यहां से तीन तारे बाहर कर दें, तो यह हमारा थ्री फेस और स्टार मोटर बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप इन वाली तारों से लीड निकालना चाहते हैं तो इन वाली तारों से लीड निकाल लें और इन तीनों को ज्वाइंट कर दें। तो यह तरीका है साथियों BLDC को वाइंड करने का, और इस तरीके से वाइंड करना क्यों जरूरी है यह भी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से वाइंड करना जब आप ओरिजिनल मोटर खोलेंगे तो वह भी इसी तरीके से आपको वाइंड हुई हुई मिलेगी, क्योंकि इस तरह से वाइंड करने से जो हमारी क्वाइलें हैं तीनों फेसों की इक्वल होती हैं, तीनों फेसों की क्वाइलों का साइज जो है वो सेम आता है। अगर साथियों इसको हम सीधा सीधा लपेट देते कि पहले एक फेस की चार क्वाइलें डाल दी, फिर दूसरे फेस की चार क्वाइल डाल दी, फिर तीसरे फेस की चार क्वाइल डाल दी, तो पहले वाले फेस की जो हमने क्वाइल डाली सबसे पहले वह बहुत ही छोटी होती, और सबसे लास्ट में जिस फेस की तारे डाली होती क्वाइल बनाई होती वह बहुत बड़े साइज की हो जाती। तो इससे मोटर की एफिशिएंसी में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इस केस में क्या होता है कि सारी क्वाइलों का, तीनों फेसों की क्वाइलों का साइज सेम होता है। आप देख सकते हैं लास्ट वाली क्वाइलें सबकी बड़ी आई हैं, उससे छोटी क्वाइलें सबकी बराबर है, उससे छोटी क्वाइलें सबकी बराबर है, तो इसलिए इस तरह से ही इसको वाइंड करना सही है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद जय भारत।